कैसे? वाह भैया, फटी ना। एक ओवर में आपको लगातार मैंने 6 छक्के ठोके और 94 रन बनाए, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। कैसे? मैंने फिर भैया तर्स नहीं किया, अभी तो PSL शुरू होने दे, फिर तेरे को बताऊंगा। ओ चाचा, तूने बिल्कुल शर्म हया नहीं की यार। और तो और यही सोच लेता मैं पंजाब खेल का वजीर हूँ, फिर भी तूने मेरे को इतने ठोके यार, जरा तरस नहीं आया तेरे को? एक बात बता, काहे को इतने मारे? 2-3 मार ले। अबे चुप कर, तेरे को किसने बोला वजीरे खेल बन भूतनी के? आपने भी पहले इतनी घातिक गेंदबाजी की, हमारे बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए, फिर मेरे को गुस्सा था। 8-9 मारने थे लेकिन मजबूरी थी, ओवर में बॉल ही 6 हुए। चाचा जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तो भैया नया रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये 185 का टारगेट ना हमारे बल्लेबाज यूं कर लेंगे। मैं हूँ, मेरे साथ मोहम्मद आरिफ है और शायद अफरीदी है, देखना कैसे ठोकेंगे। बाबर भैया, आप इतनी आसानी से आप 185 का टारगेट आपकी टीम नहीं पूरा कर सकेगी। अगर आप जीत भी गए ना, मरमर की जीतोगे, लेकिन मैंने तो भैया आज कमाल कर दिया, ऐसा ठोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुबारक दी, आप भी लगाना फिर देखते हैं। चाचा इफ्तिखार, ये कोई स्कोर नहीं, देख लेना ये 16-17 ओवर में पूरा हो जाएगा। अच्छा हुआ आपने आखिरी ओवर में कुछ रन बना लिए, वरना जिस तरह से स्कोर था ना आपका, 150-160 होना था, तो वो तो हमने 12-13 ओवर में ठोक लेना था। बाबर भैया, लंबी लंबी मत छोड़ो, ये स्कोर बहुत है, आपसे आसानी के साथ पूरा नहीं होगा। मुझे तो लगता है आपकी टीम हार जाएगी, अगर जीत भी गई ना तो स्कोर बनाते बनाते एक दफा तो आपकी फट जाएगी। अभी तो हमारे बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, वरना हमने 250 ठोकने थे। हाँ सरफराज भैया, ऊपर वाले हमारे बल्लेबाज चले नहीं, 4 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। उस टाइम ऐसा लग रहा था हमारी टीम से स्कोर नहीं बनेगा, फिर चाचा का जलवा चला, 185 का टारगेट दिया। अगर पहले बल्लेबाज कुछ रन बना जाते ना, इधर 250 नहीं 300 का टारगेट देना था इनको, फिर इनकी फट जानी थी। जितना मर्जी जोर लगा लेते तो इनसे नहीं बनना था। अभी भी स्कोर अच्छा खासा है, 2-3 विकेटें बस इनकी आ जाए, एक बाबर की और हारिस की, उसके बाद शायद अफरीदी की, तो ये मैच भी ये गंदे तरीके से हार जाएंगे। अभी चुप कर चाचा के बच्चे, ये कोई स्कोर है, हमारी तो पारी नहीं आएगी। हम सोच रहे थे अब 250-300 बनाते, 250-300 बनाते मेरी भी पारी आती, मैंने भी आधा शतक ठोकना था, मैंने जितवाना था। भूतनी वालों, इतना कम स्कोर बनाया, मेरी तो बल्लेबाजी नहीं आएगी। वाह भैया, बस करो, रहने दो, बॉलिंग में घंटा उखाड़ ले, अभी तो बच गए। अंतिम ओवर में 6 छक्के लगाए, पहले आ जाते ना तो मैंने 4 ओवरों में 24 छक्के आपको ठोकने दे। अब देखना मैं गेंदबाजी भी करूंगा, तुम्हारी विकेटें उड़ाऊंगा। सरफराज भैया, समझा इस चाचा को, एक ओवर में 6 छक्के क्या लगा लिए? भूतनी वालों कुछ नहीं होगा, हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 से 1 बढ़िया प्लेयर है, पिशावर जलमी, देख लेना ये कैसे हम टारगेट चुटकियों में पूरा करके दिखाते हैं। बाबर भैया क्या समझाएं, वो सही कह रहा, अभी तो हमारा यही एक बल्लेबाज चला, कोई बात नहीं, अभी तुम जीते नहीं हो, जब आना बैटिंग में जीत जाना, फिर बात करेंगे मैच खत्म होने के बाद। अब दूसरी पारी की तैयारी करो, बल्लेबाजी करने की शुरुआत करो। सरफराज भैया टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम ही जीतेंगे, देखना मैं और मोहम्मद आरिफ आपको खास तौर पर कैसे ठोकेगा और चाचा की बल्लेबाजी का जवाब देगा। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।